प्यारे साथियों, आज मैं क्लास 12 में चैप्टर 5 अवकलन में एक्सरसाइज 5.3 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 30, वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में है 2x/1+x2। हमें इसका करना है अवकलन, लेकिन यहाँ 2x/1+x2 है तो हमें यहाँ एक्स के स्थान पर क्या मानना है। हम ये देखेंगे कि जो हमने फॉर्मूले लिखाए थे इक्वल लिखाया था साइन 2x का या साइन 2θ, एक लिखाया था cos 2θ और एक लिखाया था tan 2θ। साइन 2θ, cos 2θ और tan 2θ ये फॉर्मूले लिखाए थे हमने tan के टर्म में। तो यहां हम x के स्थान पर क्या माने कि हमारा अंदर cos बन जाए, कैसे करेंगे? यहां हमें मानना पड़ेगा, माना x इक्वल टू tan थीटा, क्लियर? क्या हो जाएगा? y इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan θ/1+tan²θ, ये हो जाएगा इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan θ/1+tan²θ। ये फॉर्मूला होता है हमारा साइन 2θ का, साइन 2θ, क्लियर? लेकिन यहां आ रहा है cos इनवर्स, यहां हमें साइन के स्थान पर करना है cos, कैसे करेंगे? हमारा फॉर्मूला होता है cos π/2-θ=sin θ, होता है ना? लेकिन यहां 2θ है तो क्या करेंगे, यहां थीटा के स्थान पर कर देंगे हम 2θ और यहां भी थीटा के स्थान पर 2θ आ जाएगा। कहने का मतलब cos π/2-θ=sin²θ हो जाएगा, क्लियर? तो हम यहां पर साइन 2θ के स्थान पर यहां से ये मान लगा देंगे इक्वल टू cos इनवर्स cos ब्रैकेट में π/2-θ, क्लियर? यहां पर cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, π/2-θ, क्लियर? यहां थीटा है लेकिन हमें करना है अवकलन x/x, तो यहां थीटा के स्थान पर हम वो मान लगाएंगे जो x में आ रहा है। x में कहां से आएगा? ये हमारा x=tan θ, तो यहां से हम थीटा का मान निकालेंगे, ये हो जाएगा θ=tan−1x, क्लियर? तो यहां से थीटा का मान हम यहां लगा देंगे इक्वल टू π/2-2θ का मान हो गया tan−1x, क्लियर? अब करेंगे हम x सापेक्ष अवकलन, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्लियर? क्या हो जाएगा ये dy/dx=d/dx, और लिखेंगे ब्रैकेट में π/2-2tan−1x, क्लियर? इक्वल टू इसको अलग करेंगे, ये हो जाएगा d/dx π/2-2, कॉन्स्टेंट है आगे लिख लेंगे 2 × d/dx tan−1x, क्लियर? इक्वल टू π/2, हमारा कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का अवकलन 0 होता है, ये हो गया 0−2 × tan−1x का होता है 1/1+x², तो ये हो गया 1/1+x², क्लियर? इक्वल टू ये तो 0 है, छोड़ देंगे इसको, −2 × 1 2 हो गया, ये हो गया 2/1+x², क्लियर? और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, y=sin−1√2x√1−x², तो यहां पर हम x के लिए मानेंगे, माना x=sin θ, क्लियर? तो ये हो जाएगा y=sin−1√2x के स्थान पर हमको लिखना है यहां से sin θ, ये हो गया sin θ × √1−sin²θ, क्लियर? इक्वल टू साइन इनवर्स टू
साइन थीटा इन टू, ये क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर, लिख देंगे स्क्वायर रूट में कोस स्क्वायर थीटा क्लियर इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में टू साइन थीटा इन टू स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारा कोस थीटा क्लियर इक्वल टू साइन इनवर्स टू साइन थीटा इन टू कोस थीटा, फॉर्मूला होता है हमारा साइन टू थीटा का, ये हो जाएगा इन टू में साइन टू थीटा क्लियर, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा बचेगा टू थीटा, लिख देंगे टू थीटा इक्वल टू टू इन टू थीटा का वन हम यहां से निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स क्लियर, इस थीटा का वन हम यहां से ये लगा देंगे, ये हो गया हमारा टू साइन इनवर्स एक्स क्लियर, अब लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्लियर, ये हमारा आ गया वाई के बराबर, तो लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इंटू टू साइन इनवर्स एक्स, टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हमारा टू ए कॉन्स्टेंट है आगे लिख लेंगे, ये जाएगा टू इंटू डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टू इंटू साइन इनवर्स एक्स क्या होता है अवकलन का फॉर्मूला वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वन अपॉन स्क्वायर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर क्लियर इक्वल टू टू इंटू वन टू हो गया अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर और यही हमारा आंसर होगा क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 वाई इक्वल टू सेक इनवर्स ब्रैकेट में है वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो यहां हम एक्स के लिए क्या मानेंगे लिखेंगे माना एक्स इक्वल टू कॉस थीटा क्लियर, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू सेक इनवर्स ब्रैकेट में वन अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू सेक इनवर्स ब्रैकेट में वन अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये किसका फॉर्मूला होता है ये होता है कॉस टू थीटा का, लिख देंगे यहाँ कॉस टू थीटा क्लियर इक्वल टू सेक इनवर्स वन अपॉन कॉस क्या होता है सेक, तो यहां हो जाएगा इनटू में सेक टू थीटा, सेक इनवर्स से सेक हमारा कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा टू थीटा इक्वल टू टू इंटू थीटा का मान हम यहां से निकालेंगे, ये हो गया थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो थीटा के स्थान पर हम यहां से ये लगा देंगे कॉस इनवर्स एक्स, ये हो गया हमारा टू कॉस इनवर्स एक्स क्लियर, अब करेंगे इसका एक्स सापेक्ष अवकलन, तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हमारा वाई के बराबर हो गया, तो लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स टू कॉस इनवर्स एक्स, टू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू टू हमारा क्वेश्चन है आगे आ जाएगा, तो ये जाएगा टू इंटू डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू टू इंटू कॉस इनवर्स एक्स, तो क्या होता है फॉर्मूला अवकलन में माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर क्लियर इक्वल टू प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा टू इंटू वन टू हो गया अपॉन स्क्वायर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर और यही हमारा आंसर होगा क्लियर। मुझे उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट होती है, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।